इसराइल ने गाजा में भीषण नरसंहार और अत्याचार किया। विश्व के अलग अलग यूनिवर्सिटीज से लेकर वहां के देशों की सड़कों पर इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। अब इसको लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच की एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है। रिपोर्ट की माने तो इसराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों का जानबूझकर और सिस्टमेटिक तरीके से सामूहिक विस्थापन कराया है। भले ही उसका ये कदम युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ है, लेकिन यही सच है। इसको लेकर एक अन्य रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इसराइल गाजा में स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और वहाँ उसकी लंबे समय तक टिकने की योजना है। अमेरिका स्थित एडवोकेसी ग्रुप द्वारा पब्लिश किए गए 154 पन्नों की एक रिपोर्ट में 13 महीने से भी अधिक समय से इसराइल द्वारा गाजा में की गई तबाही और विस्थापन के लिए लोगों को मजबूर करने के पीछे के कारणों की जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 19 लाख फिलिस्तीनियों को विस्थापित होना पड़ा है, यानी कि 90% से अधिक आबादी विस्थापित हो गई है। एक बयान में ह्यूमन राइट्स वॉच ने गाजा में इजरायली सेना द्वारा घरों और नागरिक बुनियादी ढांचों को अवैध तरीके से गिराने और नष्ट करने के पीछे उनका उद्देश्य बफर जोन और सुरक्षा गलियारा बनाना है। इससे फिलिस्तीनियों के स्थायी रूप से विस्थापित होने की संभावना है। ह्यूमन राइट्स वॉच शरणार्थी और प्रवासी अधिकार शोधकर्ता नारिया हार्डमैन ने कहा कि इजरायली सरकार फिलिस्तीनियों को सुरक्षित रखने का दावा नहीं कर सकती। उनके मुताबिक जब वो उन्हें भागते हुए भी मारती है, सुरक्षित क्षेत्रों पर बमबारी करती है और उनके पास भोजन पानी नहीं पहुंचने देती है, ऐसी इजरायली सरकार से फिलिस्तीनियों की सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसराइल ने फिलिस्तीनियों के घर लौटने की गारंटी सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों का साफ तौर पर उल्लंघन किया है। बड़े क्षेत्रों में लगभग हर चीज को नष्ट कर दिया है। इस रिपोर्ट के जवाब में गुरुवार को इजरायली सेना ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्ध है और उसी के मुताबिक काम करती है। इसके तहत वो नागरिकों को युद्ध से बचाने के लिए आदेश जारी करती है या सूचित करती है। इजरायली सेना का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट और शिकायत इंटरनल रिव्यू बॉडी को भेजी जाती है। बीते एक साल में कई मानवाधिकार समूहों और संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं ने इसराइल पर सैन्य आचरण का आरोप लगाया है, जो युद्ध अपराध के बराबर है। अपने ऊपर लगे युद्ध अपराध के आरोपों का खंडन करते हुए इसराइल ने हमास पर भी युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। इससे पहले अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र की एक जांच में कहा गया था कि इसराइल की गाजा में हेल्थ केयर सिस्टम को नष्ट करने की एक ठोस नीति थी, जो कि युद्ध अपराध के बराबर है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने आरोपों को अपमानजनक बताया और कहा कि ये आयोग का इसराइल के अस्तित्व को ही अवैध ठहराने और आतंकी संगठनों के अपराधों को छिपाने का एक प्रयास भर है।